हेलो वन, वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेसबुक रिसर्च प्रोग्राम्स के बारे में। जो लोग भी अगस्त महीने पे फेसबुक रिसर्च में ज्वाइन किए हैं, उनका अपने यूटेस्ट की पासवर्ड कैसे मिल सकती है, या फिर कौन कौन लोगों को अब जो यूटेस्ट की पासवर्ड मिल सकती है, उसका पूरा प्रोसीड्योर मैं इस वीडियो में बताऊँगी। और जो नए यूज़र्स है वो कैसे अभी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका प्रोसीड्योर भी मैं बताऊंगी। देखो, अब जो है नया यूजर्स वो लोग अगर ज्वाइन करते हैं उनको सिंपली $10 मिलेंगे, और अगर वो किसी को रेफ़र करते हैं उसके लिए $15 करके मिल जाएंगे। ओके, तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखो। अगर आप फेसबुक रिसर्च को यूज़ करना चाहते हो या तो फिर फेसबुक रिसर्च में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं बता देती हूँ जो लोग नए यूज़र्स हैं वो कैसे अभी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताई थी कि अभी जो ज्वाइनिंग प्रोसेस बंद है, और मैं आपको ट्रिक भी दिया था कि कैसे आपको ज्वाइन होनी है। लेकिन बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है, उनको ठीक ठाक प्रोसेस पता नहीं चल रहा है, तो वो लोग जो है ज्वाइन नहीं कर पा रही। तो मैं इस वीडियो में पूरा प्रोसीड्यूर के साथ आपको दिखा दिखा के बताऊंगी कि कैसे आपको ज्वाइन होनी है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखो। ओके, तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर से जाके सुपर वीपीएन नाम के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, इस एप्लीकेशन के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसके बाद जब भी आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस नज़र आएगी। उसके बाद आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिख जाएंगे, वीपीएन इज लोडिंग प्लीज वेट, तो यहाँ पर वेट कर लेना। फिर जाके यहाँ पर आपको एक कंटिन्यू की ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। जब भी आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो आपको दिखा जाएगा वीपीएन इज रेडी। उसके बाद ऊपर की जो 3 डॉट दिख रहे हैं उस पर क्लिक करनी है, वहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएंगे सिलेक्ट लोकेशन, उस पर भी आपको क्लिक करनी है। जब भी आप सिलेक्ट लोकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर लोकेशन आ जाएंगे, यहाँ से आपको यूनाइटेड स्टेट चूज़ करनी है। तो उसके बाद यहाँ पर कनेक्ट ये ऑप्शन आ जाएंगे, आपको कनेक्ट वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर देनी है। जब भी आप कनेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर ग्रीन टिक आ जाएंगे, मतलब ग्रीन कलर की बॉर्डर आ जाएंगे, और साथ ही साथ कनेक्ट ही दिखाएगा। लेकिन यहीं पे नहीं, ये कनेक्ट अभी तक नहीं हुआ है, तो यहाँ पर कुछ देर वेट करने के बाद जब भी यहाँ पर मिडिल में डिसकनेक्ट की ऑप्शन आ जाएगी, और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइमर चलना स्टार्ट हो जाएगा, तब आप समझ लेना कि आपकी ये सुपर वीपीएन एक्टिव हो चुके हैं। और उसके बाद और एक चीज़ मैं बता देती हूँ, ऊपर में आपको की निशानी दिखेगी, ठीक है। अगर आपकी रेडमी की फ़ोन नहीं है तो की वाला साइन दिखाएगा, और अगर रेडमी की फ़ोन है तो आप समझ लेना, इस टाइमर से ही समझ लेना, ओके, कि आपकी वीपीएन एक्टिव हो चुका है। उसके बाद क्या करनी है मैं आपको बता देती हूँ। अभी आपको इन्विटेशन मेल मिल जाएंगे तो उस पर क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक हियर की ऑप्शन मिल जाएंगे, तो उस पर क्लिक करना है। जब भी आप हियर पे क्लिक कर दोगे तो हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएंगे। यहाँ पर आप जो भी ईमेल आईडी मुझे सेंड किया था उसी एंटर करना, जेंडर आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। और जो मेन चीज़ है यहाँ पर आपको अपना बर्थ ईयर 2002 से लेकर 2003 ही चूज़ करनी है, सबसे बेस्ट रहेगा। उसके बाद आपकी जो वेरीफाइड पेपल अकाउंट है उसको पेरेंट्स की पेपल आईडी में एंटर कर देना, उसके बाद आई एग्री पर टिक करके सिंपली सबमिट कर देना। अगर ये सारे प्रोसेस आप ठीक ठाक फॉलो किए हो तो गारंटी लेती हो आपके पास ये वाला मेल ज़रूर आएंगे कि कंग्रेचुलेशन यू आर इन, मतलब कि आप इस प्रोजेक्ट के अंदर हो चुके हो अभी, और आपको जो ऐप इंस्टॉल करने के लिए मेल भी आ गई है और आपको कोड भी मिल गई है। यहाँ से भी आप लिंक पे क्लिक करके सीधे इंस्टॉल कर सकते हो, या तो फिर आप अगर मेल चेक करोगे तो मेल पर भी सेम आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद इस कोड को सिंपली आपको नोट करके रखनी है। उसके बाद जब भी आपकी इंस्टॉल हो जाएंगे, ओपन करोगे, यहाँ पर सबसे पहले इन्विटेशन कोड मांगेगी। ये जो मेल पर जो इन्विटेशन कोड दिख रहे हैं ना, आपको मैं जूम करके दिखा देती हूँ, यही वाला कोड आपको एंटर करनी है। सबके लिए अलग होने वाले हैं, जो इन्विटेशन कोड मिलेंगे उसी को एंटर करना, ठीक है। फिर ओके कर देना, ठीक है। तो जब भी आप ओके कर दोगे तो बाकी की प्रोसेस में एक वीडियो में आपको डिटेल्स में बताई थी, उस वीडियो को जाके देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन वीडियो नाम की एक वीडियो की लिंक दे दूंगी, उसको न्यू यूजर स्पेशली न्यू यूजर ज़रूर देखना, ओके। तो उसके बाद यहाँ पर और एक चीज़ मैं बता देती हूँ, अगर आप नीचे से थोड़ा सा स्क्रॉल अप करोगे तो आपको दिख जाएंगे उसी मेल पर कि आपको $10 मिलेंगे पर मंथ, और रेफरल के लिए आपको $15 मिलेंगे। आप देख सकते हो न्यू यूजर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, वो अगर ज्वाइन करना चाहती है ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी ओल्ड यूजर्स हैं, मतलब कि इस प्रोग्राम में ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, उनको मैं बताना चाहती हूँ, वो अगर ये सोचते हैं कि मैं फिर से जो है
उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके फिर से अब जो है इस प्रोग्राम में ज्वाइन हो जाओ तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे। ऐसा गलती बिल्कुल भी मत करो गाइस। अगर आप पैसे गलती करते हो तो सबसे पहले जितना डेज आप एक्टिव रह चुके हो उनका पैसा तो आपको नहीं मिलने वाले है। और अगर आपने इस प्रोग्राम में फिर से ज्वाइन होने की सोच रही हो तो आप ज्वाइन नहीं हो सकते हो। अगर ज्वाइन भी हो जाओ तो इसके लिए आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे $10 करके, क्योंकि आपकी जो डिवाइस है ना वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अगर आप उसी डिवाइस में फिर से रजिस्टर करना चाहते हो तो ये पॉसिबल नहीं होगी कि आपको $10 करके ही वो लोग दें। तो बिल्कुल निराश मत हो, ये जो है आपके लिए भी बाद में इंक्रीज हो सकती है, ठीक है ना। तो आपको $5 से ही आप संतुष्ट रहो, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं, जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनको अपना यूटेस्ट की मेल आईडी कैसे मिलेंगे, इसके लिए उन लोगों को सबसे पहले utest.com की वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद सिंपली आप पर एक फॉरगेट पासवर्ड की ऑप्शन मिल जाती है, उस पर सिंपली आपको क्लिक करनी है। जब भी आप क्लिक कर दोगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अपना रजिस्टर ईमेल आईडी एंटर करके सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद बोला जाएगा कि आपकी मेल आईडी पर जो एक मेल आ चुके हैं आप चेक कीजिए। तो जब भी आप मेल आईडी चेक करोगे तो आपको यूटेस्ट प्लेटफॉर्म की तरफ से एक मेल रिसीव होगी, उसको ओपन करोगे तो यहाँ पर क्लिक हियर ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना पासवर्ड को रिसेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो क्लिक हियर पे आपको सिंपली क्लिक करनी है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड एंटर करनी है। यहाँ पर और एक चीज़, आपको पासवर्ड ऐसे एंटर करनी है जहाँ पर एक कैपिटल लेटर हो, एक स्मॉल लेटर हो, एक स्पेशल करेक्टर एंड ए नंबर हो। सही सही आप इस चीज़ को फॉलो करके एक पासवर्ड बना लेते हो तो उसके बाद सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हो तो आपको दिख जाएंगे कि आपकी पासवर्ड जो रिसेट हो चुके हैं, आप सिंपली आप लॉगिन कर सकते हो। ओके, और एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो मेल आपने देखा ना, ये जो मेल आपको तभी रिसीव होगा आप फेसबुक रिसर्च प्रोग्राम में ऑलरेडी 20 days एक्टिव रह चुके हो। जो लोग भी अगस्त मंथ पे 20 अगस्त के पहले इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हो वो अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं, और जो लोग 20 अगस्त के बाद ज्वाइन किया हो वो फिलहाल नहीं कर सकते, लेकिन वो भी एक बार कोशिश कर सकती है, ठीक है ना। तो अब बात कर लेती है आपको लॉगिन करने के बाद कैसा इंटरफेस आती है उसकी बात कर लेती हूँ। जब भी आप यूटेस्ट की प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करोगे ऐसा कुछ इंटरफेस नज़र आएगी। आपको सिंपली 3 lines पे क्लिक करनी है और थोड़ा सा स्क्रॉल अप करनी है। नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएंगे येलो कलर की, यूटेस्ट प्लेटफॉर्म, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यूटेस्ट की जो प्लेटफॉर्म है वो आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो यूटेस्ट प्लेटफॉर्म हमारे सामने आ चुके हैं, और यहाँ पर आपको मैं 3 lines भी क्लिक करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर आपको डैशबोर्ड की ऑप्शन मिल जाएंगे, माई प्रोफाइल की ऑप्शन भी मिल जाएंगे, पेमेंट की भी ऑप्शन मिल जाएंगे। पेमेंट ऑप्शन भी क्लिक करके आप अपना पेमेंट को चेंज कर सकती हो। जो लोग भी अपना वेरीफाइड पेपल अकाउंट नहीं एंटर किए थे वो जाके आप पेमेंट ऑप्शन को चेंज कर सकती है। उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, उस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप उसको भी देख सकते हो। प्रोफाइल ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना बाकी जो डिटेल्स है इसको एंटर कर सकते हो, जैसे कि आप अपना नेम वगैरह वगैरह जो भी डिटेल्स है अगर आप एंटर करना चाहते हो तो एंटर कर सकते हो। मैं अभी कुछ नहीं किया हूँ, नेम वेम कुछ नहीं दिखा हूँ। आप डैशबोर्ड ऑप्शन पे जाके आप सिंपली ऐसा इंटरफेस देख सकते हो। और यहाँ पर जो पेंडिंग पेमेंट है ना, ये जनरली 12 तारीख को अपडेट होते हैं, 11 से 12 तारीख को अपडेट होते हैं। तो कल या तो फिर परसों ही पता चलेगी कि हमको कितना कितना रुपीस मिले हैं। और एक चीज़, जिन लोगों को भी वहाँ पर पेमेंट शो हो रही है कुछ डॉलर, तो वहाँ उन लोगों को यहाँ पर जो एक्टिव वाले ऑप्शन पे आप देख सकते हो, यहाँ पर पेंडिंग के बाद एक्टिव वाले ऑप्शन पर भी यहाँ पर आपको अपना प्रोजेक्ट शो हो जाएगी। तो एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, जो लोग भी अगस्त महीने पे रजिस्टर किए हो क्या उनको पेंडिंग पेमेंट ऑप्शन पे अपना पेमेंट अमाउंट शो हो रही है फिर नहीं, एंड एक्टिव वाले ऑप्शन पे एक्टिव दिख रही है फिर नहीं, ठीक है ना। क्योंकि मेरे अकाउंट पे तो अभी नहीं शो हो रही है, मुझे जितना पता चली है पेमेंट अमाउंट है 11 या फिर 12 तारीख को ही अपडेट होती है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, जो आपको रिसेट पासवर्ड की जो मेल आती है वो बेसिकली हर एक मंथ की 10 तारीख के बाद ही आते हैं। तो आज 10 सितंबर है, तो आज आप ट्राई कर सकती हो, मेरे कल भी हो गई थी, ठीक है ना। तो
अब चिंता मत करो, आपको भी पेमेंट मिलेंगे कल या परसों तक, वेट कर लीजिए यहाँ पर। मैं भी वेट करती हूँ, देखती हूँ कितना पेमेंट हमको मिलती है। ओके, बाद भी और एक पार्ट आएंगे, जो भी इशू रहेंगे मैं हर एक पार्ट में आपकी सारे इशू कवर करने की, सारे इशू को सॉल्व करने के लिए एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है ना। जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे आप फिलहाल मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताओ, पेंडिंग पेमेंट रिक्वेस्ट पे आपकी कोई अमाउंट शो हो रही है या फिर नहीं, जो लोग भी अगस्त महीने पे ज्वाइन किए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत खुश रहो एंड थैंक ऑल ऑफ यू।